एक व्यक्ति को तीन तीन शादी करना सही है क्या? एक व्यक्ति को तीन तीन शादी करना सही है क्या? मैं आसाम में जब भी मुसलमान लोगों का बीच में जाता हूँ, मैं एक ही पूछता हूँ यार, हम एक ही सम्मान ले सकता हूँ? तुम लोग तीन तीन क्या शादी करने का? हमारा घर में हम जब मीटिंग करने जाते हैं, हमारा वाइफ बोलते हैं, अरे 9 बजे डिनर करना जाना था, तुम नहीं आया, आज हमारा डिनर मिस हो गया। कोई भी बोलता है हमारा बच्चा का कॉलेज जाना था, तुम्हारा समय नहीं मिला। तो मैं सोचता हूँ, मैं एक बीवी के लिए समय नहीं मिलता, तुम तीन तीन बीवी के लिए समय। तो हमारा मुसलमान लोगों को मैं जाके डायरेक्ट बोलता हूँ, मेरा कोई उधर उधर नहीं है, मैं जाके हमारा मुसलमान लोग को बोलता हूँ, देखिए मोदी जी तो यूसीसी लाएगा, लेकिन असम में तो हम यूसीसी पहले स्टार्ट कर सकता हूँ। चलिए आज से तीन तीन शादी करना बंद कर दो। हम इसको डायरेक्ट बोलता हूँ, कोई कोई बोलता है थोड़ा मुश्किल होगा क्या? हम बोला कुछ नहीं, मोदी जी तो टाइट करेगा, पहले टाइट हो जाओ तब ज्यादा अच्छा होगा। कैसे आप देखो एक एक व्यक्ति है तीन तीन शादी कर लेता है, वो ऐसे बोलता है हमारे ये स्वतंत्रता है। भैया एक कौन सा स्वतंत्रता है? हमारा माँ को सम्मान के साथ रहने का माँ का अधिकार नहीं है क्या? हमारा बहन का अधिकार नहीं है क्या? ये तुम्हारा कौन सा स्वतंत्रता है? बोलते नहीं, हम 12 साल में ही शादी करेगा, 11 साल में ही शादी करेगा। मैंने आसाम में 11 और 12 साल में शादी करने वाला एक समुदाय का 6,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लोगों को मैं बोला ठीक है बेटा, तुम लोग थोड़ा जेल का रहो, तुम लोग का जो भी है ठीक हो जाएगा। एक एक कम्युनिटी से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिरो इलेक्शन कमीशन का चक्कर हो चक्कर शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको इतना ही मैं बता देता हूँ कि अभी असम में मैंने 2 काम किया हूँ तुरंत, कि एक पति को एक ही पत्नी का शादी करने का अधिकार है, उससे आगे नहीं है। और दूसरा, हमारा जो बेटी है, बेटियों को पहले शिक्षा दो, शिक्षा का बाद शादी कराओ, पहले नहीं होगा, ये मैंने उनको समझा दिया।